दमोह जिला मुख्यालय पर नगरपालिका चुनाव के दौरान एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। दरअसल 90 वर्षीय महिला मागंज वार्ड नंबर 4 निवासी कमल रानी अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए दमोह के सेंट नॉर्बर्ट स्कूल मतदान केंद्र पर मतदान करने गई थी, लेकिन मतदाता परिचय इत्यादि दिखाने के दौरान ही वे अचानक बेहोश होकर गिर गई और उन्हें तत्काल ही उनके परिजन इलाज के लिए दमोह जिला अस्पताल लेकर के आए, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। 90 वर्ष की आयु में भी लोकतंत्र के प्रति उनकी आस्था और मताधिकार का प्रयोग करने के लिए वे मतदान केंद्र तो गई, लेकिन काल ने उन्हें मताधिकार प्रयोग करने के पहले ही उठा लिया। ऐसे में स्थानीय तौर पर भी गम का माहौल है। हालांकि मतदान जारी है, वहीं उनके परिजन गमकीन हैं और उनके द्वारा घटना की जानकारी दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, ACN न्यूज़। जी भैया बताए। कमल रानी है इनका नाम, मांगन वार्ड 4 के निवासी हैं। इनको वोट डालने जैसे ही ले गए, वोट डालने से पहले इनकी पर्ची वगैरह जैसे ही उन्हें चेक की, वोट डालने के हुए और ये वही बेहोश हो गई। फिर इनको हम सरकारी अस्पताल लेके आए जहाँ इनको मृत घोषित कर दिया गया। कौन से केंद्र में मतदान वोट डाले गए थी? मांगन वार्ड नंबर 4 सेंट नॉर्बर्ट स्कूल। कितनी उम्र इनकी? ये 90 के ऊपर। क्या नाम इनका? कमल रानी।